चलो क्लास सिक्स रेशियो की प्रॉब्लम, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम पहले सुनेंगे, बाद में बाद में क्या होता है आपको पता है। ए कार कवर्स 195 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। पहले क्वेश्चन को समझ लो, बाद में सब कुछ ईजी हो जाएगा। वाइल ए ट्रेन कवर्स 650 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द कार कितना दिया है, 195 किलोमीटर्स को 3 आवर्स में जा रहा है, सो 195/3। ये क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन। स्पीड आर यू से वेलासिटी, वेलासिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड, कितना दूर गया वो, बाय टाइम। ये तो आप सबको पता है, ओके ना, ऑल ऑफ यू नो दिस। आपके कार में, आपके बाइक में ये स्पीडोमीटर दिखता है, ओके, 60, 70, 80, 90, 100, ओके ना। यू आस्क योर डैड, यू आस्क योर मॉम टू ड्राइव स्लोली, ओके ना, कोई जल्दी नहीं है। अभी दिखते हैं आपको 50-60 स्पीड जाए तो एक घंटे में 50 किलोमीटर तक आप पहुंच जाएंगे, वो स्पीड होता है। तो ये क्या बता रहा है, 3 आवर्स के टाइम में 195 किलोमीटर जाएगा, तो ये वेलोसिटी है या स्पीड है, 195/3। और बाद में क्या दिया है, 650 किलोमीटर बाई 5 आवर्स, ये ट्रेन का है, सो रेशियो इज आस्किंग, ओके ना, रेशियो 650/5, बस यही आंसर। लेकिन ऐसे कैसे कहते पता, कैसे पता चलेगा, तो एक काम करेंगे, ओके ना, ये LCM वगैरह रूल्स आपको पता है, मैं आपको आसानी से बताता हूँ। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 5 है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, ओके ना। अगर आप जब भी कंपेयर कर रहे हो, ओके ना, इफ़ यू आर कंपेयरिंग एनी टाइम, अगर आप विराट कोहली को कंपेयर करना चाहेंगे तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, विराट कोहली को। इफ़ यू वांट टू कंपेयर, यू नीड टू कंपेयर विद सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा या कपिल देव, इसके साथ में कंपेयर करना है। विराट कोहली को लेकर रोनाल्डो के साथ में कंपेयर करें तो, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ कंपेयर करें तो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, या ये कुछ फ़ायदा की बात ही नहीं है ना, ओके। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों को सेम करना चाहिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इस सारे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो ले 195 into 5, ये आपको करना है, 195 into 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 975/5 3 15 is 2, ये हो जाएगा 15 इधर, 650 into 5, आपको पता है 650 into 5 कैसे करना है, 650 into 3 1950। ये देखो अभी दोनों सेम हो गए ना, नीचे इसको काट दो, तो इसका स्पीड है 975/1950। इसको जितना भी स्मॉल नंबर से आप काट सकते हो कर दो, बस हो जाएगा। 25 के साथ में कर सकते हो, अदरवाइज 5 के साथ में स्टार्ट करो, कितना हो जाएगा उतना हो जाएगा। अगर आप 5 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 5, कितना बचा है, 4 बचा है, 47, 5 9 45, तो कितना बचा है, 2 बचा है, 25 मीन्स 5 5 25, 195/2, ये 5 के साथ ही किया ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 6, ये हम किसके साथ में कर रहे हैं, सॉरी हम किसी के साथ में कर रहे थे, सॉरी बच्चे, यस ये 5 1 के साथ में किया ना, ये 5 3 15, करेक्ट, 4 बचा है, 45, 4 5 के साथ में 5 9 और बचा है 0 को 0 ले लो, 185/390, ओके 195/390 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर 185/390। सो बाद में 5 से और एक बार कर सकते हैं आप, 5 3 और एक बार 5 से कर दें, 5 3 15, ऐसे ही करना है प्रॉब्लम को, और 45 5 9 39, ये हो जाएगा 5 1 5 39 का 5 7 35, 4 5 8 39, and 78 39 1 39 78, 39 1 39 2 78, correct, 1:2, ये 1:2 हो जाएगा, राइट, 1:2 है। तो एक काम हो गया प्रॉब्लम, बस दैट्स इट, आंसर इज 1:2।
दूसरे प्रॉब्लम में जाएंगे। दूसरे प्रॉब्लम में जाने से पहले आपके एंटरटेनमेंट, यस 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 आई डू रिमेंबर। एक बार क्या किया था, एक मेरे जैसा आदमी फर्स्ट टाइम अमेरिका गया है, ओके ना, सोचो यूएसए जैसे कंट्री को गए जहाँ पे मेरा बहुत पुराने दोस्त है वहाँ पे, वो सेटल हो गए वहाँ पे। वो बोल रहा था हमारा अमेरिका बहुत ही एडवांस्ड है, ये वो बोल के मुझे कुछ सुना रहा था। मैं ऐसे ही सुन देगा, ओके ना। बाद में उन्होंने मुझे लेके जाके ऐसे उसके गार्डन में लेके गए, एक दो फुट अंदर ज़मीन को डिग किया। डिग करने के बाद में दिखाया यहाँ पे पूरे केबल्स थे, वायर्स थे पूरे। मैं पूछा ये क्या है, ये सब क्या है वायर्स यहाँ पे नीचे? तो बोला था कि हमारा पूरा ये अंडरग्राउंड वायरिंग होता है, ओके ना, हम बहुत दिन से अंडरग्राउंड वायरिंग ही कर रहे हैं। तो ऊपर देखो कुछ भी वायर्स नहीं दिखते आपको, पूरा नीचे ही अंडरग्राउंड वायरिंग ही चलता है। मैं बोला अरे यार बहुत ही एडवांस है तुम्हारा, वेरी गुड, वेरी वेरी वेल, ओके। बस ऐसे कुछ देर बात किया और कुछ दिन के बाद मैं वापस आ गया। बाद में मेरा दोस्त इंडिया को आया था, अपने पास आ गए, तो मैं भी उसको लेके गया और मेरे ज़मीन में यहाँ पे दो फुट डिग किया मैं भी। तो उन्होंने पूछ रहा था क्या है यहाँ पे, दो फुट हो गया यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर। तो बोला यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है ना? तो मैं वही बोल रहा था उसको, यस हम बहुत पहले से वायरलेस है, आप लोग अंडरग्राउंड केबल में थे, हम तो वायरलेस ही हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस हंसो अभी, ये जो के सो कमिंग टू द पॉइंट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9। ए स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, गेट्स ओवर बाय 1:30। कितना टाइम हुआ देखो, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 1:30, कितने घंटे हो गए यहाँ पे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 30 मिनट्स, 5 hour 30 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स, 5, 6 hour, ओके ना, कितना होता है 5, 6, 30, और ये 330 मिनट्स हो गया, सही है ना? चलो, ए स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड्स एट 1:30 PM। ड्यूरिंग द स्कूल टाइम इफ देर आर 2 breaks, 15 मिनट्स शायद ब्रेकफास्ट का ब्रेक होगा, 30 मिनट्स ये शायद लंच ब्रेक होगा, तो रेस्पेक्ट कितना ब्रेक्स हो गया? 15 मिनट्स का एक ब्रेक है, 30 मिनट्स का एक ब्रेक है, 2 ब्रेक हो गया, तो 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया। फाइन, अच्छा है 45 मिनट्स का ब्रेक, फाइन। फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रेक टाइम टू द टोटल टाइम द स्टूडेंट स्पेंड इन द स्कूल। टोटल टाइम दे आर स्पेंडिंग इज 3:30 एंड दिस इज 45, सो 3:30 to 45, दिस इज योर आंसर। इसको शॉर्ट बनाना है, कर दो शॉर्ट, 5 के साथ में डिवाइड कर दो, 5, 6, 30, 3 बचा है 30, 5, 6, 30, दिस इज 5, 9, 45, और अब 3 से ले लो, 22:3 इज योर आंसर, ओके, दिस इज योर लकी भैया। आपको जोक समझ में आ गया ना? ओके, दूसरे जोक दूसरे क्वेश्चंस के लिए फिर मिलेंगे।